अच्छा, ये खबर आज हमें मौसूल हुई कि जो डिफरेंट जराए थे वो हमें बता रहे थे कि हमें, बल्कि मैं तो खैर टीवी चैनल पे देखा, फिर उसको हमने वेरीफाई भी किया कि फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे एक दो जो एजेंट्स हैं उनसे हमें पता चला, फिर हमने उनसे एक ऑफिशियल ईमेल भी मंगवाया, उन्होंने पूरी कम्युनिकेशन शेयर की। लेकिन ये कि अभी हम ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि अभी दिलशान ने, मतलब वी वेरी हैप्पी फॉर दैट, कि दिलशान ने कहा कि आई एम स्टिल विलिंग टू कम टू पाकिस्तान, कि मैं खेलना चाह रहा हूँ। हम अभी इस वक्त फॉरन ऑफिस से भी हम बात कर रहे हैं, बाकी जो जराए हैं हमारे उनसे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैम एज पर प्लान, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं। असल जो प्रॉब्लम है ना, जो मैं समझता हूँ, ये बहुत सारे दिनों से आप देख रहे थे कि जो भारतीय मीडिया, हमने आज तक रिस्पॉन्ड नहीं किया उसका, तो भारतीय मीडिया की तरफ से बड़ी नेगेटिव जो रिस्पॉन्स था वो चल रहा था कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। हमने डे वन से कहा कि हमारा कोई पोलिटिकल एजेंडा नहीं है, किसी किस्म का एजेंडा नहीं है सिवाय क्रिकेट के फरोग के। प्रॉब्लम जो मैं सबसे बड़ा नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पांच कश्मीरी प्लेयर्स हैं वो प्रॉब्लम है, कि वो पांच कश्मीरी प्लेयर वो चाहते हैं कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर ना करें। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला वी स्टिल ट्राइंग। और दूसरा जहां तक बात है जो बीसीसीआई की जो इन्फ्लुएंस है, जो बाकी चीजें हैं उस पर भी हम देख रहे हैं सारा, कि उसको हम कैसे काउंटर करें या उस पर हम कैसे उन प्लेयर्स को लेके आए पाकिस्तान में। यहाँ पे कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से आपको बताएं कि एक बड़ा एक नैरेटिव है कि जो पीसफुल साइड है पाकिस्तान की वो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो कश्मीरी साइड है पीसफुल वो हम दिखाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 मुल्कों में हम इसको ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं विद द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ये एक बहुत बड़ा एक एक, एक, एक धचका लगा बीसीसीआई को या भारत को, जो भारत की मीडिया भी इस वक्त जो इंतजार फैला रहा है वो भी आपके सामने है। हम फिर भी वी आर वेरी मच पीसफुल, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल एज पर प्लान। हम जा रहे हैं 6 अगस्त को इंशाल्लाह ताला आप इसकी ओपनिंग और फर्स्ट मैच भी आप देखेंगे, और 17 अगस्त को आप फाइनल भी देखेंगे। अब हम मजीद जोश और जज्बे के साथ हम ये कश्मीर प्रीमियर लीग एग्जीक्यूट करवाएंगे इंशाल्लाह।